ये आइडिया आया था 7 साल पहले 2015 के आसपास, जब मैंने एक रैंडमली स्क्रॉल करते एक BMW की फ़ोटो देखी थी, तो उन्होंने एक फ्लाइंग बाइक का कंसेप्ट की इमेज डाली थी GS 1250 के बेस पे, तो तब लगा था हाँ लाइक कुछ ऐसा होना चाहिए, बट दैट वाज ऑल देयर टू इट। हमने इसका नाम सोकोरो रखा है, इट्स अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब है इमीडिएट हेल्प या इमीडिएट असिस्टेंस, ताकि हमने कोई भी अगर सहायता किसी भी पर्सन को अगर सहायता चाहिए उसके वहाँ तक हम इमीडिएटली पहुँच सकें। दो साल बाद ऑन द रोड आई मेट एन एम्बुलेंस ड्राइवर, सो वहाँ पे ही वाज लाइक पैनिकिंग टू रीच हिज डेस्टिनेशन, सो वहाँ पे मुझे ये लगा कि लाइक वो दो साल पुराना जो कंसेप्ट फोटो था वो तब ट्रिगर हुआ। इस प्रोजेक्ट में हमें टेक्निकली 3 साल लगे, जिसमें 1 साल हमने इंजीनियरिंग पढ़ी है और 2 साल लगाई है। ओवरऑल इसमें हमारा 15 लाख खर्चा आया था, R&D में ही हमारे 3 लाख लग गए थे। इंजन पूरा खोल दिया था हमने, ठीक है, उसको हमने सारे गियर जो स्टॉक गियर से सारे निकाल के अपने गियर मैन्युफैक्चर करके, ठीक है, उसे ऑटोमेटिक बना के हमने फिर उसे इंस्टॉल करके फिर भी देख लिया, उसमें भी 2-3 आइट्रेशन करी। इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है हमें जो राइट इंजन है इस जॉब के लिए, वो इंजन मिलता भी नहीं है, और मिलता भी है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो हमारे पास जो बेस्ट बाइक थी, मेरी बाइक थोड़ी सी पावरफुल है बाकी बाइक से, तो वी जस्ट थॉट टू गिव इट अ ट्राई, और फिर हमने ये कर दिया कि अब ज़्यादा नहीं सोचना, करना तो है। सबसे बड़ा फेलियर तो हमारे ये था, जो हमारी निंजा का इंजन हमें पता लगा इंटर पावर्ड है, तो सबसे मेन जो ड्रॉबैक हमारा आया था, जो हम 2-3 दिन तक हम वी डिडंट इवन टॉक टू ईच अदर। आज तक हमने 2 प्रोपेलर तोड़े हमारे, एक हमारा माउंट से उड़ के चला गया था, और एक हमारे बाइक में इतनी पावर आ गई थी कि हम हैंडल नहीं कर पाए थे उसको, और हमारी बाइक नीचे गिरी थी, और उसके प्रोपेलर हम साइडवेज माउंट कर रहे थे हमने, तो हम थ्रस्ट चेक कर रहे थे प्रोपेलर का, सो बाइक गिरी थी और प्रोपेलर ज़मीन पर लग के टूटा था उस टाइम पर। प्रोपेलर हम बना नहीं सकते ना, हमारे पास राइट मशीन्स है, बट हमारे पास इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो था वो राइट था हमारा, तो उसके बेसिस पे इंडिया में सिर्फ 3 लोग बनाते हैं। जब ये पूरी हो गई थी तो इसे असेंबल करने के लिए हम गुड़गांव गए थे स्पीड मॉन्क्स पे, वहीं पे इसके सारी डिटेलिंग हुई थी, पेंटिंग हुई थी, असेंबली हुई थी, और इसका ट्रांसमिशन के लिए भी हम सारा वहीं पे ही पूरा किया था हमने। अप्रैल के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में हमारा फर्स्ट लिफ्ट ऑफ आया था, वी वर स्केर्ड, उड़े ना उड़े क्या होगा पता नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत हम कर रहे थे बट एक प्रॉपर चीज नहीं हुई थी। वी डिडंट इवन गो एंड सेलिब्रेट दैट डे, क्योंकि हमें पता ही था हाउ डू वी सेलिब्रेट दिस थिंग। अगर हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, वी गेट राइट रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटीज फ्रॉम देम, क्योंकि तो अभी हमने खुद बनाया, तो इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बट तब हम काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, विच एक्चुअली कैन बी रिवील्ड इवन कमर्शियलाइज्ड एज वेल टू द जनरल पब्लिक, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। फॉर मोर सच फाइन स्टोरीज एंड वीडियो रिपोर्ट्स फ्रॉम फील्ड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल द न्यू इंडियन।